Morning students, myself Shan Patel. Today we are going to start part 3 of chapter number 18, West Water Story. जैसे कि बच्चों हमारा chapter number 18 चल रहा है West Water Story. Last lecture में part 2 में हमने बहुत ही interesting topic के बारे में समझा. Last lecture का हमारा topic था, याद है आपको कौन सा topic था? Yes, water को clean करने का, waste water जो है, वेस्ट वाटर को किस तरीके से क्लीन किया जा सकता है और उसकी पूरी प्रोसेस हमने लास्ट लेक्चर में समझी थी. वो पूरी प्रोसेस जो है हमने फोर स्टेप में समझी थी, याद है? पूरी प्रोसेस जब वेस्ट वाटर जो है जब वो फोर स्टेप में से जब पास होता है बाद में वो क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है और बाद में उसका यूज कर सकते हैं. क्लियर? तो लास्ट लेक्चर में हो गई वेस्ट वाटर को क्लीन करने की बात. ओके, आज के लेक्चर में पार्ट 3 में हम आज भी बहुत इंटरेस्टिंग जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम गुड सिटीजन है, अगर हम अच्छे सिटीजन है तो हमारे फर्ज क्या बनते हैं, अगर हम अच्छे सिटीजन जो है तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है, अगर वाटर वेस्ट हो रहा है तो उसको वेस्ट नहीं होने देना चाहिए. ऐसी बहुत सारी ड्यूटीज जो है हमारी बनती है, वो ड्यूटीज के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, बिकम एन एक्टिव सिटीजन. यहां पर ऐसा बताया गया है कि एक एक्टिव सिटीजन बनिए. क्या बनिए? एक एक्टिव सिटीजन बनिए. एक्टिव सिटीजन किस तरीके से? देखिए, वेस्ट जनरेशन इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. बच्चे यहां पर बताया गया है कि वेस्ट जनरेट जो होता है, जो गार्बेज जो जनरेट और वेस्ट जनरेट होता है, वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी का एक पार्ट है, है ना. हम बहुत सारी थिंग्स यूज करते हैं और उसमें उस थिंग्स में से बहुत सारी थिंग्स को हम वेस्ट में निकाल देते हैं, तो ये जो वेस्ट जनरेट होता है वो भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटी का ही एक पार्ट है, हमारी वजह से ही वेस्ट जनरेट होता है. बट वी कैन लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस. लेकिन यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि वेस्ट तो जनरेट होगा, हमको भी पता है कि वेस्ट तो जनरेट होता ही है, लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए, हम ह्यूमंस के ये ड्यूटी, हमें ऐसा करना चाहिए कि मिनिमम वेस्ट जनरेट हो. हमारी ड्यूटी क्या है कि मिनिमम वेस्ट जनरेट हो. समझ में आ रहा है? नाउ ऑफन वी हैव बीन रिपल्ड बाय ऑफेंसिव स्मेल. इसकी वजह से क्या हो गया, अगर मिनिमम समझ लो कि मिनिमम वेस्ट जनरेट होता है तो उसकी ऑफेंसिव स्मेल, उसी स्मेल से हम बच सकते हैं ना. क्लियर? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज द साइट ऑफ ओपन ड्रेन्स इज डिस्गस्टिंग. देखिए बच्चों, यहां पर ऐसा बताया गया है कि ओपन ड्रेन जो होती है, आपने देखी होगी गटर सिस्टम जो होती है, कभी कभी आपने देखा ओपन ड्रेन्स देखी होगी, ओपन ड्रेन्स के पास हम जाते हैं तो उसकी बहुत ही बैड स्मेल आती है ना. ओपन गटर हो, मीन्स ओपन ड्रेन जो, उसके पास हम जाते हैं तो बहुत ही बकवास, बहुत ही बेड स्मेल आती है, तो उसका जो साइट है वो देखना ही कैसा लगता है हमको, डिस्गस्टिंग, तो अच्छा ही नहीं लगता हमको ऐसा देखना. द सिचुएशन वर्सन्स इन द रेनी सीजन व्हेन द ड्रेन स्टार्ट ओवरफ्लोइंग. और सिचुएशन जो है उससे भी बहुत ही बेड हो जाती है. कब? जब रेनी सीजन आती है. आपको भी पता है कि जब रेनी सीजन आती है तब ये जो ओपन ड्रेन्स जो होती है, ये ओपन ड्रेन्स क्या होती है, ओवरफ्लो हो जाती है. ओपन ड्रेन्स जो होती है, सब ड्रेन्स क्या हो जाती है, ओवरफ्लो हो जाती है. और रेनी सीजन में तो ये बहुत ही उसमें से बैड स्मेल आती है, ओवरफ्लो होती है, जिसकी वजह से वो बैड वाटर जो है, जो वेस्ट वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है सब, है ना. देन वी हैव टू वॉक थ्रू द मड पूल्स ऑन द रोड्स. हम देखते हैं तो रेनी सीजन में जब पूरे रोड पे मड पूल जैसा हो जाते हैं, पूरे रोड पे हम देखते हैं तो पूरा मड 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 दिखाई देता है ना. रेनी सीजन में तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है. अगर ये गटर्स जो है, ये ड्रेन्स जो है ओपन हो, उसमें से वाटर फ्लो हो रहा, तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है. क्लियर? देन मोस्ट अनहाइजेनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशंस प्रिवेल. फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स ब्रीड इन इट. जब भी ये मॉनसून आता है, जब अगर ड्रेनेज सिस्टम अगर ठीक तरीके से ना हो, याद रखें किसी भी सिटी की अगर ड्रेनेज सिस्टम अगर सही नहीं है तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है, अनहाइजेनिक कंडीशन हो जाती है.
उस सिटी में, उस एरिया में अनहाइजेनिक कंडीशन हो जाती है, अनसेनिटरी कंडीशन हो जाती है, ओके, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पर फ्लाइज मॉस्किटोस एंड अदर इंसेक्ट्स ब्रीड इन इट, वहां पे फ्लाइज मॉस्किटोस और दूसरे बहुत सारे इंसेक्ट्स है जो वहां पे क्या हो जाए ब्रीडिंग होने लगते है, और ये सब इंसेक्ट्स की वजह से हमें भी क्या हो जाते हैं डिसीज हो जाते हैं। जैसे जैसे इंसेक्ट बढ़ते जाते हैं, ब्रीडिंग बढ़ता जाते हैं, वैसे वैसे हमारे डिसीज भी क्या हो जाते हैं बढ़ते जाते। आपको भी पता है कि मलेरिया और वो सब हो जाते हैं ना। एंड देन यू कैन बी एन इनलाइटन सिटीजन एंड अप्रोच द म्युनिसिपालिटी और द ग्राम पंचायत। देखो हम एक ऐसे सिटीजन है जो हमारे हम म्युनिसिपालिटी और ग्राम पंचायत के अंदर में आते हो, ओके, तो अगर अच्छे सिटीजन है म्युनिसिपालिटी और ग्राम पंचायत के तो हमें क्या करना चाहिए, इंसिस्ट दैट द ओपन ड्रेन्स बी कवर्ड। क्या करना चाहिए, अगर ओपन ड्रेन्स जो है, अगर हमको ओपन ड्रेन्स दिख जाए, ओपन गटर्स, ये जो पाइपलाइन जो ओपन दिख जाए ऊपर ड्रेन्स, तो हमें उसको क्या करना चाहिए कवर करना चाहिए। एंड इंसिस्ट इफ द सीवेज ऑफ एनी पर्टिकुलर हाउस मेक्स द नेबरहुड डर्टी, यू शुड रिक्वेस्ट देम टू बी मोर कंसिडरेट अबाउट अदर्स हेल्थ। बच्चों यहां पर ऐसा बताया गया है कि अगर सीवेज हो रहा है मीन्स अगर आपके नेबरहुड में आपके नेबर्स की वजह से अगर कोई भी प्लेस समझ लो कि डर्टी हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड रिक्वेस्ट देम टू बी मोर कंसिडरेट अबाउट अदर्स हेल्थ। आपको उसको समझाना चाहिए कि दूसरों की हेल्थ का भी क्या करके ख्याल रखे। अगर आपके नेबरहुड में कोई ऐसा पर्सन है जहां पे समझ लो कि उसके ड्रेनेज सिस्टम ओपन है, उसकी वजह से आपको या फिर आपके नेबर्स को इन सबको प्रॉब्लम हो रहा है हेल्थ, तो उसको समझाइए कि ये ड्राइनेस से, अपने नेबर को समझाइए कि आपकी ये ड्राइनेस सिस्टम ओपन है जिसकी वजह से क्या होता है दूसरों को भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए क्या कीजिए अपनी जो ड्राइनेस सिस्टम जो है उसको क्लोज कीजिए, उसको कवर कीजिए। समझ में आ रहा है? तो बच्चों हमने यहाँ पर ये हमारा हाफ पार्ट यहाँ पे कम्प्लीट हो रहा है, बिकम एन एक्टिव सिटीजन। अगर हमें एक्टिव सिटीजन बनना चाहिए उसके बारे में हमने देखा कि एक्टिव सिटीजन बनने के लिए हमारे सिटी के या फिर हमारे समझो कि हमारे सोसाइटी के ही समझो एक्टिव सिटीजन वो होता है जो कहीं पे भी प्रॉब्लम्स हो रही हो तो तुरंत ही उसका क्या करे निकाल करे। समझ में आ रहा है? उसको एक्टिव सिटीजन बोलते हैं, तुरंत ही उसको सॉल्व करे। क्लियर? तो यहाँ पर बिकम एन एक्टिव सिटीजन का पार्ट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। क्लियर? नाउ न्यू टॉपिक इज बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिस। बच्चों यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिस, वॉटर वेस्ट ना हो हमारे घर पे, वॉटर वेस्ट ना हो, वेस्ट वॉटर ज्यादा प्रोड्यूस ना हो, उसके लिए हाउस में किस तरीके से प्रैक्टिस रहनी चाहिए देखिए। फर्स्ट पॉइंट इज कुकिंग ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी थ्रो डाउन द ड्रेन। देखिए यहां पे यह बताया गया है कि कुकिंग ऑयल या फिर फैट्स जो है, कुकिंग ऑयल या फिर फैट्स आप ड्रेन्स में थ्रो मत कीजिए, अपनी जो आपकी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके अंदर थ्रो मत कीजिए। क्यों नहीं करना चाहिए? दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप। वो क्या करते हैं, ये ऑयल जो है, ये फैट्स जो है, वो क्या करते हैं, वो हार्डन कर देते और पाइप को ब्लॉक कर देते हैं। इन एन ओपन ड्रेन द फैट्स क्लॉग द सोइल पोर्स रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस इन द फिल्टरिंग वॉटर। अगर समझ लो कि ऐसे इसको ओपन ड्रेन्स जो होगी, ओपन ड्रेन्स की वजह से क्या हो सकता है कि सोइल जो होती है, सोइल की जो फिल्टरिंग वॉटर करने की जो कैपेसिटी होती है वो लेस हो जाती है, वो कम हो जाती है। थ्रो ऑयल एंड फैट्स इन द डस्टबिन। उसको कहां पे फेंकिए, ऑयल एंड फैट्स को डस्टबिन में डाल दीजिए, उसको लैंड ओपन लैंड ओपन एरिया में भी मत डालिए। अगर आप ओपन लैंड पे डालोगे तो ओपन लैंड की जो कैपेसिटी है जो उसे एब्जॉर्ब करने की वो लेस हो जाती है। समझ में आ रहा है? इसीलिए ऐसा बताया गया है कि कुकिंग ऑयल एंड फैट्स को ड्रेनेज सिस्टम में भी नहीं थ्रो नहीं करना चाहिए और ओपन एरिया में भी थ्रो
नहीं करना चाहिए, उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। देन सेकंड पॉइंट इज केमिकल्स लाइक पेंट्स, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, मेडिसिन मे किल माइक्रोब्स दैट हेल्प प्योरीफाई वॉटर। बच्चों यहां पर ऐसा बताया गया है कि ये केमिकल्स जो है पेंट्स लाइक पेंट्स, पेंट्स है, सॉल्वेंट्स है, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, मोटर ऑयल होता है, मेडिसिन होते हैं, मे किल माइक्रोब्स, वो माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। कैसे माइक्रोब्स को? दैट हेल्प प्योरीफाई वॉटर, जो वॉटर को प्योरीफाई करते हैं वैसे माइक्रोब्स को ये सब किल कर देते। सो डू नॉट थ्रो देम डाउन द ड्रेन, इसलिए ऐसा बताया गया है कि इसको ड्रेन में थ्रो मत कीजिए, पेंट को या फिर सॉल्वेंट को, इंसेक्टिसाइड्स को, मोटर ऑयल को, मेडिसिन को, इन सब को ड्रेन में थ्रो मत कीजिए। उसकी वजह से जो माइक्रोब्स जो होते हैं, जो जो वॉटर को प्योरीफाई करते हैं, वो किल हो जाते। नाउ थर्ड पॉइंट इज यूज टी लीव्स, सॉलिड फूड रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, सैनिटरी टॉयल्स एक्सेट्रा शुड, इसमें बताया गया है कि ये यूज टी लीव्स, सॉलिड फूड रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, सैनिटरी टॉयल, इन सब का यूज कीजिए। शुड ऑल्सो बी थ्रो इन द डस्टबिन, अगर आप इन सब का यूज कर रहे हो तो इसको भी कहां पे डाल दीजिए, डस्टबिन में डालिए। इनको भी ये सब यूज करके भी उसको डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए। दिस वेस्टेज चॉक द ड्रेन्स, ये जो वेस्टेज जो है, जो ये सब टी लीव्स है, सॉलिड फूड रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयस है, कॉटन है, सैनिटरी टॉयल्स है, इन सबको डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए यूज करके। क्यों? क्योंकि अगर हम ड्रेनेज सिस्टम में डालेंगे, दिस वेस्टेज चॉक द ड्रेन्स, अगर ड्रेनेज सिस्टम में आ जाएगा तो ड्रेनेज सिस्टम को ये चॉक कर दे सकते हैं, चॉक मीन्स ब्लॉक कर सकते हैं। दे डू नॉट एलो फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, इसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो फ्लो नहीं हो पाता, समझ में आ रहा है, इसकी वजह से ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो पाता, ब्लॉक हो जाता है। दिस हैम्पर्स द डिग्रेडेशन प्रोसेस, इसकी वजह से इसके अंदर डिग्रेडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, समझ में आ रहा है। तो बच्चों यहां पर हमने हाउस, बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिस, बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिस के बारे में समझा कि हाउस के अंदर कौन कौन सी बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए, हाउस के अंदर कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी जो ड्राइनेस सिस्टम जो है वो ज्यादा वेस्ट क्रिएट ना करे। ओके तो बच्चों यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर पार्ट थ्री जो है वो कंप्लीट हो रहा है। आज के लेक्चर में हमने मेनली टू टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट वन इज बिकम एन एक्टिव सिटीजन, हमें एक एक्टिव सिटीजन बनना चाहिए, उसके रिलेटेड डिस्कस किया। एंड बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिस, हाउस कीपिंग प्रैक्टिस के बारे में हमने डिस्कस किया। ओके तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर पार्ट थ्री जो है वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट फोर में हम इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के साथ मिलेंगे। ओके थैंक यू वेरी मच।